भाई ऐसा नहीं है, सच्चा ज्ञान होगा जो। अब गोपियों के बच्चे भी थे सब थे, लेकिन उनमें मन नहीं था, कृष्ण में था। हेलो कृष्ण में मन था, एक सच्चा ज्ञान था। कौन था देवी के? हमारे प्यारे कृष्ण और कोई होश नहीं था, ये सब माया फोन करे तो फोन माया है। पापा वो बाबा के पास है कि अपनी आयु है तो पापा बात करने जाता फोन लेकर तो बाबा को नहीं उठा, दो तीन बार कर लिया। कृष्ण की तो नहीं बोलते पर हमें तो आपकी याद आती है, तो करो देखिए तुम्हारा हमें तो आपकी याद आती है बस तो याद तो ठाकुर जी की कृपा से आती है। तो ठीक है बोलते ना आप, कोई भी समाचार मिलता है तो प्रसन्नता होती है। ठाकुर जी करो एक बार टाइम, ठाकुर जी कृपा से मैं भगवान के सिवाय किसी को चाहता नहीं, भक्तों को चाहता हूँ। तो जैसे आपका समाचार मिलता है ना तो जैसे ही आपका कोई भी समाचार मिलता है हाँ। तो हम भाग लेते हैं, उत्साह रहता है कि आप ऊपर फटाफट पहुंचे। ये भगवान की, बिना भगवान की कृपा के और सच्चा प्यार भक्त से नहीं मिल सकता, उन्हें तो फंसा ही लेता है घर में फंसा रहता है। गुरुदेव अभी आपके पास में ये भी हैं हाँ, और प्रभु जी ये सब हैं हाँ, कभी हैं तो इनको इनकी भावना के अनुसार फायदा मिलेगा हाँ। आपके साथ बैठने का, आपके दर्शन का, आपके साथ बातचीत का हाँ, क्यों नहीं मिलेगा हाँ। तो ऐसे ही सब मेरे अंदर गुण होंगे ना वो इनमें घुस जाएंगे। अरे वो गुरु के गुण है ना वो भक्त में घुस जाएंगे है ना, तो भक्त है ना जो सिर्फ गुरु को याद करेगा, संत को याद करेगा और कृष्ण को याद करेगा। ये गोपियां देख लो, गोपियां क्या उनके भी बच्चे थे, लेकिन वो कृष्ण के सिवाय किसी को याद नहीं करती थी। दिन में भी व्याकुल रहती थी, अरे कांटा गट गए होंगे उनके हैं, नग्गे पैर जाता है ये चिंता करती रहती थी उनका।